हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बॉली टॉली दिल से। फाइनली योगी आदित्यनाथ की जीत का ढिंढोरा पीटने पे लोगों को जिस सितारे का सबसे ज्यादा इंतजार था, उसने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। क्या है पूरी खबर, हम आगे चल के आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। बीजेपी की कट्टर समर्थक ने इलेक्शन अनाउंस होते ही योगी एंड पीएम मोदी के खूबियां गिनवाना शुरू कर दिया था। बीजेपी की एक बार फिर अपना सिक्का जमा लिया है एंड योगी आदित्यनाथ शानदार प्रदर्शन करते हुए यूपी की सीट पे बैठने जा रहे हैं। इस सारी बात से बॉलीवुड में जो सबसे ज्यादा खुश है वो है कंगना रनौत। योगी की शानदार जीत पर कंगना ने अपनी स्टेटमेंट दी है कल शाम को ही एंड कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पे योगी की पिक्चर शेयर करते हुए लिखा है, ना शादी ना बच्चे ना सत्ता के भोगी, जिसको देख के गुंडे कांपे वो है यूपी के योगी एंड पूरे देश को कॉन्ग्रेचुलेशंस। कंगना को काफी टाइम से बीजेपी का समर्थन करते हुए देखा गया है एंड इसी वजह से बॉलीवुड में काफी लोग उनको नापसंद करते हैं, मगर इस सारी बातों से कंगना को रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ कंगना ही ऐसी एक्टर नहीं है जिसने योगी को बधाइयां दी है। बीजेपी के कट्टर विरोधी कमाल के खान ने भी योगी को बधाइयां दी है। हालांकि सुबह तक KRK कह रहे थे कि आज योगी का आखिरी दिन है, बकर रिजल्ट आते ही उनके हाल चाल हाव भाव सब बदल गए और बीजेपी को कॉन्ग्रेचुलेशन कर डाला। इस सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए एंड बॉली टॉली चैनल को दिल से लाइक कीजिए एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में हमारा चैनल शेयर करिए। Thank you for watching. Bye bye for now.